दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी शो सबसे चर्चित शो में से एक है। इसे बच्चे से लेकर बड़ों तक देखना खूब पसंद करते हैं, क्योंकि शो के सभी किरदार एक से बढ़कर एक कॉमेडियन और फनी है। ऐसे में लोग रियल लाइफ से हटकर इन किरदारों के रियल लाइफ के बारे में भी जानने को काफी उत्सुक रहते हैं, जैसे कि उनके असली नाम से लेकर उनकी उम्र, लाइफ स्टाइल, इनकम, नेटवर्थ और भी ऐसे ही कई चीजों के बारे में। सो आज की इस वीडियो में हम आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के 7 सबसे अमीर एक्टर के बारे में बताएंगे, जिनकी नेटवर्थ आज कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी से भी ज्यादा है। सो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नंबर 7, तारक मेहता। दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में तारक मेहता का एक अहम किरदार है। इस शो में तारक मेहता का किरदार जो निभाते हैं उनका रियल नाम शैलेश लोढ़ा है, जो कि एक जाने माने प्रसिद्ध कवि है और इन्होंने अब तक कई सारे किताबें लिख चुके हैं। शैलेश लोढ़ा भारत में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले कवियों में से भी एक है। आपको बता दूं कि इनकी वाइफ स्वाति लोढ़ा भी प्रोफेशन से खुद एक राइटर है, जो मैनेजमेंट सब्जेक्ट पर लिखती है। स्वाति की लिखी हुई किताबों ने अब तक कई लोगों का जीवन बदल के रख दिया है। शैलेश लोढ़ा तारक मेहता में एक एपिसोड के लिए 1,00,000 रुपए लेते हैं और ऐसे में इनका टोटल नेटवर्थ 8 करोड़ रुपए है। नंबर 6, पोपटलाल। दोस्तों शो में जिसे आप पोपटलाल के नाम से जानते हैं, असल जिंदगी में उनका रियल नाम श्याम पाठक है। शो में भले ही पोपटलाल को अपनी शादी के लिए तरसते हुए देखा जाता है, लेकिन असल जिंदगी में वो शादीशुदा है और तो और इनके 3 बच्चे भी है। श्याम पाठक अपनी ज्यादातर कमाई टीवी सीरियल, विज्ञापन और ब्रांड प्रमोशन के जरिए करते हैं। वही वे तारक मेहता में हर एक एपिसोड के लिए लगभग 40 से 60 हजार रुपए लेते हैं। वही पोपटलाल के पास लग्जरी कार भी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उनके पास लगभग 50 लाख रुपए की कीमत वाली मर्सिडीज कार और टोयोटा इनोवा क्रिस्टा कार भी है। वहीं अगर बात करें इनके कुल संपत्ति की तो दोस्तों वो करोड़ों के मालिक है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वे लगभग 10 करोड़ संपत्ति के मालिक है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं नंबर 5 की। सो नंबर 5 पे है आत्माराम भिड़े। दोस्तों जिन्हें आप शो में मास्टर भिड़े के नाम से जानते हैं, असल जिंदगी में उनका रियल नाम मंदर चडवाडकड़ है। आपको बता दें कि पहले नौकरी किया करते थे, ये दुबई में एक मैकेनिकल इंजीनियर थे। फिर 2000 में नौकरी को छोड़ दिया, उसके बाद वो थिएटर और सीरियलों में काम करने लगे। 8 साल तक मराठी नाटकों में काम किए, लेकिन इनको जो फेम और पैसा तारक मेहता सीरियल को करने से मिला वो ना ही उन सभी से मिला था। और ये अभी के समय में तारक मेहता में पर एपिसोड के लिए 80 से 90 हजार रुपए लेते हैं। इस हिसाब से इनका कुल संपत्ति 15 करोड़ रुपए की है। नंबर 4, चंपकलाल। दोस्तों इस शो में जेठालाल के बापूजी चंपकलाल का किरदार जो निभाते हैं उनका रियल नाम अमित भट्ट है। आपको बता दें कि वो असल जिंदगी में अपने ऑन स्क्रीन बेटे यानी जेठालाल से उम्र में छोटे हैं। शो में अमित भट्ट एक बुजुर्ग का किरदार निभाते हैं, लेकिन रियल जिंदगी में वो एक रोमांटिक पति है। उनकी तस्वीरों को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि अमित भट्ट कितने रोमांटिक मिजाज के हैं। उनकी पत्नी भी खूबसूरती के मामले में किसी अभिनेत्री से कम नहीं है। पत्नी का नाम कृति भट्ट है। वही इनके 2 बेटे है जो जुड़वा है। अगर इनके नेटवर्थ और पर एपिसोड फीस की बात करें तो दोस्तों ये तारक मेहता में एक एपिसोड के लिए 70 से 80 हजार रुपए लेते हैं और इस हिसाब से इनका नेटवर्थ 22 करोड़ रुपए है। वीडियो में आगे बढ़ते हुए चलिए बात करते हैं नंबर 3 की। सो नंबर 3 पे है बबीता जी। दोस्तों इस शो में बबीता जी का किरदार जो निभाते हैं, असल जिंदगी में उनकी रियल नाम मुनमुन दत्त है। 28 सितंबर 1987 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में जन्मे मुनमुन दत्त ने साल 2004 में जी टीवी पर आने वाले सीरियल हम सब बराती से डेब्यू किया था। फिल्मों की बात करें तो मुनमुन दत्त की पहली फिल्म कमल हसन के साथ मुंबई एक्सप्रेस थी, जो कि साल 2005 में रिलीज की गई थी। इसके अलावा वो साल 2006 में हॉलीडे फिल्म में भी नजर आई थी। हालांकि उन्हें जो लोकप्रियता तारक मेहता शो से मिली वो उन सभी से कभी नहीं मिलता और अभी के समय में ये एक एपिसोड के लिए 35 से 50 हजार रुपए लेती है। वही इनके नेटवर्थ की बात करें तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इनकी नेटवर्थ 30 करोड़ रुपए है। नंबर 2, दया। दोस्तों तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल में जेठालाल की पत्नी दया का किरदार दिशा वकानी निभाती है, लेकिन पिछले कुछ साल से वो इस शो में नजर नहीं आई है। अगर रिपोर्ट की माने तो दिशा वकानी जल्द ही तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी सीरियल में दया के किरदार के रूप में वापसी करेगी। फिलहाल अभी तो ये इस शो में काम नहीं कर रही है, लेकिन जब काम करती थी तब ये पर एपिसोड के लिए 1,50,000 रुपए लेती थी। अगर बात करें इनकी नेटवर्थ की तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट की माने तो इनकी नेटवर्थ 37 करोड़ रुपए है।
सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं नंबर वन की। सो नंबर वन पे है जेठालाल। दोस्तों इस शो में जेठालाल का किरदार दिलीप जोशी निभाते हैं। दिलीप जोशी ने तारक मेहता शो को करने से पहले कई टीवी सीरियल और फिल्मों में काम किया है। उन्होंने फिल्म मैंने प्यार किया है से बॉलीवुड में एंट्री की थी। उसके बाद उन्होंने हम आपके है कौन, खिलाड़ी 420, हमराज, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी जैसे कई फिल्मों में काम किया था। इतना ही नहीं वो कई सुपरहिट सीरियल में भी नजर आ चुके हैं। दिलीप जोशी तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर है। रिपोर्ट के मुताबिक ये मेकर से एक एपिसोड के लिए 1.5 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं। वही एक महीने में 36 लाख रुपए तक कमा लेते हैं। दिलीप जोशी महीने में केवल 25 दिन ही काम करते हैं। वो बाकी समय अपने परिवार के साथ बिताना काफी पसंद करते हैं। इनको लग्जरी गाड़ियों का भी काफी ज्यादा शौक है। दोस्तों उनके पास 80 लाख की ऑडी Q7 और इनोवा कार भी है। इन्होंने दिए गए एक इंटरव्यू में बताया था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतने समय तक काम करने के बावजूद भी एक समय ऐसा आया था जब उनके पास एक साल तक कोई काम नहीं था। इसके बाद ही उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो में काम करने का ऑफर आया था। इस शो ने इनकी किस्मत बदल दी और इस शो के बाद से एक रॉयल लाइफस्टाइल जीते है। वही महीने में अपनी छुट्टियां लेना नहीं भूलते हैं। काम के साथ साथ अपने परिवार के साथ भी खूब समय बिताते हैं। वही इनके नेटवर्थ की बात करें तो दोस्तों इनका नेटवर्थ 40 करोड़ रुपए है। तो दोस्तों यही थे तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के 7 सबसे अमीर एक्टर। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि तारक मेहता शो का आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।